Yeah.
Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
होली की भी बहुत बहुत बधाई। हम दो त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि भगवान गौरांग को अभिषेक हुआ है, नित्यानंदा प्रभु को और चेतना महाप्रभु को। शास्त्र में वर्णन है, जो भगवान का अभिषेक देखता है ना, उसके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। आप ये मत समझना कि प्रभु ने अभिषेक कराया, हमने नहीं कराया, एक तो माता ने कराया। अभिषेक देखना, अभिषेक कराना, जैसे मैं आल्टर में खड़ा था, अभिषेक कर रहा था और आप लोग सामने बैठकर देख रहे थे, एक समान है। जितना पुण्य मुझे मिला है उतना ही पुण्य आपको मिलता है। भगवान का कोई खड़े होकर दर्शन कर रहा था, उन सभी को अभिषेक का दर्शन करने मात्र से ही उसके तमाम तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक भगवान का वही देख पाते हैं जो शुद्ध आत्माएं होती है, जिनकी पूर्व जन्मों की तपस्याएं होती है, उन्हीं को भगवान का अभिषेक मिलता है। ये अभिषेक होता क्या है, भगवान को दूध से, दही से, शहद से, असली घी से, नकली घी नहीं असली घी से, और अर्घ्य गुलाब या गंगा जल से भगवान को पंच चीजों से स्नान कराया जाता है, और उसके साथ आपकी श्रद्धा भाव से आप भगवान को मुख्तलिफ तरह के फलों के जूस से भी भगवान को अभिषेक करा सकते हैं। तो आप सभी ने देखा भगवान और हरि, जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है, राधा रानी और कृष्ण का भाव लेकर के प्रकट हुए हैं, और हमें भक्ति का सिखाइए कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है भगवान की और अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम सभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर रहे हैं। ये सभी ऐसे भक्तिलाल स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा कृपा हुई कि हम सब आज इस गौन के द्वारा इस हरिनाम संकीर्तन को जप रहे हैं, और सबसे बढ़ के भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई थी जो हम सबको ये हरिनाम संकीर्तन मिला है, ये नाम मिला है, ये महामंत्र मिला है, भगवत नाम मिला है, और ये गौर हरि भगवान गौरांग की कृपा है, जो कि साक्षात भक्त अवतार बने, भक्त बने और पतित पावन, हम पतितों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। ओ दिवा होली के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, और होली के दूसरे दिन जिसको रंग कहते हैं या गुलंडी कहते हैं, उस दिन है चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव का बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। आज गौर पूर्णिमा है, भगवान चैतन्य प्रकट हुए हैं, और साथ ही साथ हम हर साल होली का त्यौहार भी सेलिब्रेशन करते हैं। होली में क्या हुआ था होलिका जली थी, और क्या हुआ था, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे और प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की थी। इसी प्रकार से हम हर साल जब भी दिवाली होली आती है तो होली पर क्या करते हैं, होली का जलाते हैं, होली का धन कहते हैं इसको, ठीक है, होली की पूजा करते हैं। ये बेसिकली किसी ने मुझे कहा कि होलिका तो राक्षस थे, ये होली की पूजा क्यों करते थे, बेसिकली होली की पूजा नहीं करते, ये प्रहलाद महाराज की पूजा की जाती है, प्रहलाद महाराज जी की स्थापना की जाती है और प्रहलाद महाराज जी को ही भोग लगाया जाता है। जितनी भी माताएं हमारी प्रसाद लेकर आती ना, वो प्रहलाद महाराज जी को दिया जाता है, भगवत तत्व है, जो कि वो भगवान के भक्त है और भगवान के भक्त को तमाम के तमाम चीजें दी जाती है। तो आप लोगों के सामने श्री राधा रंगा टेम्पल में गौर पूर्णिमा भगवान अभिषेक हुआ, आप सभी ने अभिषेक का लाभ उठाया, और जो अभिषेक भगवान को हुआ है वो आप सबको मिलेगा भी। कहा जाता है कि एक भूत जो अभिषेक होता है ना, वो हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी हमने जन्म किए हैं उनके पापों को नष्ट कर देता है, एक बूंद अभिषेक की, तो इतना पवित्र है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के शरीर से स्नान होकर के आया है। हम सब गंगा को मानते हैं ना, गंगा मैया को, कि गंगा में जाके हमारे पाप क्या हो जाते, धुल जाते, धुल नहीं जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, धुल के दोबारा लग जाते, नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते। और वो गंगा कहां से निकली है, भगवान के चरणों से साक्षात श्री हरि के चरणों से गंगा प्रकट हुई है। तो देखो, जो चरणों से प्रकट हुई है वो इतनी महान है, और ये अभिषेक साक्षात पूरे भगवान से होकर गया है, भगवान के मस्तक को छुआ है, भगवान के होंठों को छुआ है, भगवान के हाथों को, भगवान के अश्वशनी को, भगवान की छाती को, तमाम को भगवान को चूके हुए अभिषेक गिरा है। तो कितना महान है, कहा जाता है कि गंगा से भरकर माना जाता है, गंगा केवल चरणों से प्रकट हुई है लेकिन भगवान का अभिषेक पूरे भगवान को स्नान कराकर ही प्रकट हुआ है। तो जो नष्ट करने की शक्ति रखता है, हरे कृष्णा। अभी आपने अभिषेक देखा, आपको अभिषेक प्रसाद मिलेगा भगवान का, और फिर जाके होली की पूजा करो, होली खेलो, हरे कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गौर पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं, हरे कृष्णा। सभी बोलिए जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम Krishna, 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 Hare, Hare, Hare.
धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण आपको प्रसाद मिलेगा भी अभिषेक का, वो आप लोग लीजिएगा और जिसने पूजा करी वो भी कैंसिल हो गया।